नवे ब्लॉग दा एक बार फिर स्वागत है। असी अज चलदे आ टाटा नमक देश का नमक चोले चक लून दे रेगिस्तान च जिहड़ा साल्ट डेजर्ट है। असी इस वक्त गुजरात च ते कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट च भुज शहर है। इत्थों कई उहनूं वाइट डेजर्ट बोलदे आ, कई मतलब साल्ट डेजर्ट बोलदे आ, कई लून दा रेगिस्तान बोलदे आ। इत्थे बोर्ड भी लग्गिया होया किन्नी दूर है देखदे आ। यह हैगा वाइट डेजर्ट, ठीक है। इतों 85 किलोमीटर है। तो झोले अपने चक ले, लद लिया समान दुबारे, फिर है कुड़ी देखो लदती अज लिफ्टा लेके जानी है। ट्रक ट्रुक नूं हाथ तां दिओ, फिर ट्रक लंघी जांदे आ यार। तो थोनू अज लून दे रेगिस्तान च लैके चलते हैं। जे देखना बने रहे हो वीडियो दे विच, ते इतों लिफ्टा शुरू करते हैं। 80-85 किलोमीटर है, शायद सानू खावड़ा तक जाना पेगा। 70 किलोमीटर इतने खावड़ा दिख रहा है, उतों फिर वो थोड़ा साइड पर पै जाता है, तो उतों लिफ्टा लेके चलेंगे। एयरपोर्ट रोड पर खड़े हैं गुरुद्वारा साहब के बाहर, तो किसी ट्रक नूं हाथ पैर दें, हाथ ही देना पैर नहीं देना, ठीक है। तो पैर अगला साढ़े मिद के जा रहा है, पिछले 15 मिनट तो खड़े हैं यार, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा इतने। खुशी हम ट्राई कर दे, खुशी तू ट्राई कर, तू बेइज्जती करा। मैं तो आपकी बेइज्जती करा ली, हम खुशी बेइज्जती कराऊ आपकी। मिल गई लिफ्ट, चलो लेट्स गो। देर आए दुरुस्त आए, तो सानू फाइनली बाई ने लिफ्ट दे दी। ये सीधा जा रहा है रन ऑफ कुछ जिथे असी जाना। तो इनू ना जो वाइट डेजर्ट है इनू रन ऑफ कुछ भी बोलते हैं, वाइट डेजर्ट भी, साल्ट डेजर्ट भी, बहुत सारे नाम है। तो बाई यूपी तो है। लिफ्ट छेती ना मिलने का एक कारण यह भी है, एक तो बॉर्डर एरिया है, रिमोट लोकेशन है, लोग इधर घट जाते हैं, ईवन के बसा भी नहीं जाएगा, है ना। दूसरा कारण यह भी है, जिमें ना मैं थोड़ा ये नाम दसिया पहला, जिमें वाइट डेजर्ट बोलते हैं इनू, साल्ट डेजर्ट बोलते हैं, ये सारे टूरिस्ट नाम है ये, है ना। जो गुजराती भाषा च इनू गुजराती लोकल लोगों जो तुम कुछ मर्जी गई हो वाइट डेजर्ट जाना, वो समझते नहीं है। जो तुम कहोगे भी असी रन जाना है, रन गुजराती है, जिमें रन ऑफ कच्छ, ठीक है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट दे विच रन है वाइट रन। जां तुसीं जदों कहोगे कि वाइट रन जाना है जां रन ऑफ कुछ जाना, फिर वो समझेंगे। जिवें जिवें ना असी शहर तो बाहर जा रहे हैं, भुज तो पहला तो पहाड़ी किकर आई सीगियां, होरी टाइप का सीगा जिवें अपने हुंदा हैगा। तो इत्थे हुण पूरा डेजर्ट शुरू हो गया, मतलब ये सारा कोई कुछ भी नहीं, आले दुआले कोई वाही वाली जमीन नहीं, कुछ नहीं है, सारा डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो अगे जाके देखने, अगे जाके हौली हौली मतलब साल्ट डेजर्ट चिट्टा रेगिस्तान च तब्दील हो जाता है। तो अगे जाके समुद्र आता, तो फिर बॉर्डर एरिया आता पाकिस्तान का, जोड़ा अगे अपनी सरहद है वह आ जाती है। आ तो ना किसी अफरीकन कंट्री वर्गा फील आ रहा, ऐ लगता जिम्मे वाइल्ड सफारी कर रही हुई, जंगल सफारी चाहे हुई है। ओ देखो किमें बई मझां तुरियां फिरदियां दूर तक, तो जिमें जंगली जानवर तुरे फिरते होंगे, बहुत घेंट है यार। आई लव गुजरात, रियली आई लव गुजरात। पूरा जंगल है, जंगल सोच समझ के इधर आयो। ये किसी जाना ना, 5-4 जाने का ग्रुप होना चाहिए, मतलब ए नहीं भी तुसी आप ही आ गए, कल्ली आ गए। टोटली जंगल है, कोई तुम व्हीकल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, सारा एन भरिया होया इधर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बई यार बहुत चंगा बंदा सीगा, पर तार दबनू जंगल च, जंगल की कहानी थोनू बाद चो दसदा मैं। हुण बई नू, बई दा इत्थों राह अलग है, तो आप सीधा जाना इत्थे पिछे टी पॉइंट बनता है, बई ने इधर नू जाना, आप सीधा जाना। ओके बाय। सानू बई ने इत्थे तारदा ट्रक वाले ने, तो 1.5 घंटा लगे इतने आने, तो 1.5 घंटे च इतने पहुँच गए। इधर आरगो सैल बाई की कंपनी है, तो इधर सीधा रोड जाता वाइट रन यार। सारा जंगल है पूरा, कुछ भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात, तो सच्ची मतलब कुछ भी नहीं, बहुत एक डर भी लग रहा है। बई आया, एक मोटरसाइकिल आ गया यार, इन्हें मिलते हैं। बई दौड़ दो जाना है यार, दौड़ दो तक ले चलोगे, आओ बैठ जाओ। थैंक यू, चल कुछ समान चक। नहीं नहीं, हमको वाइट रन जाना है, वो देख के आना है। हम यहाँ तक ट्रक पे आ गए थे, ट्रक से तो वो इधर उन्होंने आर्गो सेल जाना था, यहाँ उतार गया वो।
थैंक्स। यार भाई ने 5-6 किलोमीटर छड्डिया सानू, ते इत्थे इक चेक पोस्ट है BSF दी, इत्थे साडी एंट्री हो, ते उस तो बाद मतलब असीं अगे जा सकदे आ, ठीक है बॉर्डर ते। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हुण देखदे आ पहला ट्रक ते हुण मोटरसाइकिल ते, ते मैं इधर एंट्री करा दा, इत्थे एंट्री होनी है साडी। तो बई 3-4 किलोमीटर है ये BSF हैगी है, इत्थे ये कहिंदे वी जिहड़ी कोई गड्डी आउंदी है तुहानूं उहदे नाल बिठा दांगे, ते उहदे नाल बिठा के तुहानूं उत्थे अगे भेज दांगे। पता नहीं सानू अजे होर किन्नियां लिफ्टां लैणियां पैणगियां, तो 3-4 किलोमीटर है अगे होर भी। तो बाहर यार अज धुप बहुत ज़्यादा तिखी निकल ही है, तो जी नहीं करता यार बाहर खड़न में। एक ना इतने डेजर्ट लून दे रेगिस्तान करके लूणा लूणा हो सारा कुछ, पैदा कर गड्डी आ गई बई, सानू लिफ्ट मिलने की चांस नहीं, दोबारा जाने। 45 मिनट हो गए बई खड़िया, तो कोई अजे तक कार नहीं आई, कुछ नहीं आया सानू। हुण लोकल कोई बंदा देखते हैं, जो कोई लोकल मिलेगा कुछ भी मिल जाए सानू उत्थे तक 4 किलोमीटर अगे तक लै जाए। इतों सिर्फ 4 किलोमीटर है, तो असी तुसी देखो 80 किलोमीटर आ गए, सिर्फ 4 किलोमीटर लिए सानू इन्ना 1 घंटा खड़ना पै रहा है। तो मैं इधर चलना, इधर रेस्टोरेंट वगैरह है कुछ, वैसे तो कोविड करके करोना करके बंद है, सारा कुछ बंद पे ये, तो पर देखते हैं, ट्राई करते हैं, जो कोई अपन मिलता मोटरसाइकिल वगैरह तो वह आप चलते हैं। इतने ना बई जे कुछ रेस्टोरेंट्स वाले जी इतने जो लोकल उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मोटरसाइकिल दे दो, असी पेट्रोल का जो खर्चा दे दें, क्योंकि सानू 1 घंटा हो गया इतने बैठे BSF को, सानू कुछ नहीं मिल रहा, कोई गड्डी नहीं मिली क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा यार, करोना करके सारा कुछ स्टक है, बंद पिया बिल्कुल। इधर तुम देख लो आ भी बंद पिया है ना, सारा सब कुछ बंद है, तो करके बई कहते भी सू मोटरसाइकिल दे दें, तो तुम मोटरसाइकिल लै जाओ अभी, जे चली जाएगी जे तो है चली जाएगी, चली जाएगी। देखते हैं। अरे यार ये क्या लगा रखा है इस पर, ये तो बिल्ली जैसे बिल्ला शेर वगैरह होता है, हैं? अच्छा अच्छा ये थैंक यू, ये भाई छड़न जा रहे हैं, ते रन ऑफ कच वाइट डेजर्ट रह गया भाई सिर्फ 3 किलोमीटर, थोड़ी जी पेशेंस तुसी होर रख लो, बस तुहानू घुमाउण जा रहे हैं, ते बट लून दिखाउणा इत्थे पहला वर्गा लून तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा बट ये बाई कहिंदा बई यह पहला नालों डेजर्ट थोड़ा चेंज है, पहला सारा लून का भरिया होया सी, ढकिया होया सी लून नाल, चादर सी पूरी, पर हुण थोड़ा जिहा इत्थे घट है लून है नहीं, आ देखो उपर उपर हैगा, बट शायद पता नहीं की कारण है, बाई नूं पुछांगे, ते थोड़ा है मैं तुहानूं दिखाउणा चक के, आ देखो जिवें नूण है सारा ये, खारा खारा पूरा, मेरे तां इत्थे आ के ना जिवें आ देखो इत्थे हथ ला के ऐ करदा, ये भी खारा होया पिया, बाहां ये भी खारियां होईयां पईयां, सारा कुछ खारा खारा है, काला हो गया रंग, काला हो गया खुशी कहती काला बई इस करके हो गया क्योंकि लूनी हवा है बहुत ज्यादा, ता करके काला। फोटो फोटो खिंच लिए, 2-4 ज्यादा बना लिए। काफ़ी मशक्कतों तो बाद असी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए बई, साढ़े पिछे है वाइट डेजर्ट, जहाँ ये वाइट डेजर्ट बट हूँ नहीं रहा, ये खारे समुंदर बदलिया पे, तो क्यों बदलिया आप लोकल जी बंदे आए हो तो पुछांगे, बट ये लास्ट डेस्टिनेशन अपनी जिथे आप आना सी अज वाइट डेजर्ट रन ऑफ कुछ, मतलब साल्ट डेजर्ट लून का रेगिस्तान इसे बोलते हैं, तो आप बई नूं पुछदे आ मतलब की कारण है ये पिछे कि यह पानी क्यों होया पे, क्योंकि जो मैं पहला आया सी ना उदो ये पूरा वाइट सीगा, सारा वाइट चिट्टा चिट्टा रेगिस्तान से जिथे तक निगाह जाती सी, उदो मैंने दस्सिया सी कि 50 पता नहीं 60 किलोमीटर तक रेगिस्तान है सारा, ठीक है हुण ये बट सारा समुंदर बनया पे, पूरा समुंदर है जिथे तक निगाह जाती है ना पानी है, तो ये ऐसे क्यों हो गया, हम तो मीन जब वाइट डेजर्ट देखने आए थे, हमको ऐसे था कि यहाँ पर सल्ट का वो पूरा डेजर्ट है, नमक का रेगिस्तान है, तो ये समुंदर कैसे बन गया, सूखेगा ना ठंडी के मौसम में, तब ये वाइट हो जाएगा, नमक हो जाएगा। अच्छा तो वाइट नमक हो जाएगा, अभी इन दिनों में नहीं है, अभी नहीं होगा, अभी तो ये बारिश के मौसम है इसमें नहीं होगा।
अच्छा बरसात के दिन है, मींस बरसात में ऐसा ही रहता है, पानी पूरा सूखेगा तब इसमें नमक जम जाएगा। अच्छा ये डीप तो नहीं है, इसमें जा सकते हैं? गहरा तो नहीं है ये? नहीं नहीं गहरा कुछ नहीं है। अच्छा ज्यादा से ज्यादा डेढ़ दो फुट होगा। अच्छा 2 फीट है ज्यादा से ज्यादा? नहीं होगा। तो आगे तक जा सकते हैं इसमें चल के? चल के जा सकते हैं। अच्छा दलदल तो नहीं है ना? दलदल नहीं नहीं। कितना है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा कहीं कहीं दलदल है, मींस वैसे जा तो सकते हैं इधर थोड़ा सा? अच्छा ज्यादा नहीं। यहाँ से बॉर्डर कितना है? बॉर्डर 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है पूरा? पानी 30 किलोमीटर है। पानी पानी है पूरा? पानी है पूरा। पानी 30 किलोमीटर है? ये डीप तो नहीं होगा पानी? पानी गहरा तो नहीं है? पानी गहरा नहीं है। अच्छा कितना कितना है मैक्सिमम कितना होगा? अंदाज पे लगता है तो 3 फुट से ऊपर नहीं होगा। अच्छा ज्यादा से ज्यादा 3 फुट है, इससे ज्यादा नहीं है? नहीं इतना नहीं होगा। अच्छा ठीक है। 1 फुट के अंदर हम घूम रहे हैं अभी। अच्छा 1 फुट के अंदर है असी भाई पानी दे विच आ गए ते ए सारा तुसी देखो असी पानी च तुर रहे हैं ते डूंगा नहीं हैगा बिल्कुल भी। रन क्यों बोलते हैं आप इसे? हम यहां रन बोलते हैं जैसे आप रेगिस्तान बोलते हैं ऐसी। अच्छा जी मतलब रेगिस्तान है? हां रेगिस्तान है। अच्छा आप इसको गुजराती में रन बोलते हो? रन बोलते हैं। अच्छा गुजराती में? हां रन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जैसे ये पानी कब जाएगा मींस हवा से ये सूख जाता है पानी? हाँ ये सूख जाता है, हवा लगता है ना ये इस तरफ की हवा आएगी। हाँ तो ये कल थोड़ा कम हो जाएगा पानी यहाँ पे सूख जाएगा। जैसे ये आज जैसे आज 2 दिन लगेगी ना तो हाँ। पानी इस तरफ चला जाएगा पवन हवा में। अच्छा पानी हवा के साथ ही चला जाएगा? हवा के साथ चला जाएगा। कहाँ मींस समुद्र में पीछे? नहीं समुद्र नहीं इधर से उधर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा उधर ज्यादा हो जाएगा इधर से पानी चला जाएगा। ये भाई पानी दे थले लूण है भाई कहता मतलब भी ये जो हवा चलू ना हवा इन पानी नु सुखा दूगी फिर थलो लूण फिर निकले होगा। हुण बरसात दे थोड़ा जिहा दिनां करके ज्यादे हैगा ते इत्थे सामने इधर है बॉर्डर इस साइड है पीछे सामने। अच्छा इधर इस साइड है बॉर्डर ते मेरा जी करदा बॉर्डर भी अज देख आईए तैर के चले जाने बई ते बॉर्डर देख आने ते चलो मजाक कर रहे हैं आपां। बाकी यार चंगा लग्या तुसी सर्दियां जाओ ज्यादा वधिया उदो नून देख सकते हो इत्थे मतलब पूरा एक वखरा एक्सपीरियंस वो मैं पहला देखिया होया सीगा। चल मैनू तो कोई वधिया मैं तो चल मानसून च भी देख लिया दोनों टाइम च देख लिया पर जे तुसी स्पैशली आना है इत्थे रन ऑफ कच्छ आना देखण तां दसंबर च जां सर्दियां च जनवरी जाओ ज्यादा वधिया उदो पूरा वाइट हुंदा है सारा वाइट हो जांदा है। बाहर चले कितने महीने वाइट रहता है ये? अभी ठंडी मौसम होगी ना ये पानी सूख जाएगा ना नहीं कौन से मंथ में अक्टूबर दिवाली के बाद हो जाएगा ते भाई सर्दी जो जिवें भाई कहिंदा वाइट हो जाता है ते उस तों बाद 3-4 महीने वाइट ही रहिंदा गा ये ते सर्दी च तुसी इहनूं देख सकदे हो सारा उदों ये पूरा तभी नमक होगा सारा इधर पूरा नमक हो जाएगा। अभी जैसे जहां जहां पानी है जम जाएगा नमक हो जाएगा जम जाएगा सर नमक दिखाई देगा ये पानी जम जाता है। हां पानी जम जाता है इसमें से नमक हो जाता है। कमाल की बात है यार इसमें से पूरा नमक हो जाएगा पूरा। अच्छा पूरा अभी अच्छा गर्मी में समुंदर बन जाता है ये ऑटोमेटिकली। ये पानी कहाँ से आता है? बरसात का है यहीं से बारिश का इसके अंदर आता है। अच्छा तो पूरा ये बारिश का ही पानी है? हाँ पूरा बारिश का होता है। अच्छा ठीक है जितना भरा हुआ है ना पूरा बारिश का ही। यहाँ तक सर्दी में तो बस आता होगा ना सीधा जाना ही आता बस? बस उधर से मिलता है चौकड़ी पे। अच्छा यहाँ नहीं आता? ठीक है शाम के टाइम मिलता है वो एक ही बस से आता है यहाँ। ठीक है तरफ इधर भाई जेड़ा ये एरिया ना ये सारा बॉर्डर एरिया इधर सारे मतलब इस्लामिक रिलीजन हैगा जिवें असी कारगिल भी देखिया सीगा ते श्रीनगर तो अगे जिन्ने एल ओ सी चलो वह तो कश्मीर तो सारी इस्लामिक एरिया तो उस तो बिना कई जगह तो होर देखा जिथे जिथे बॉर्डर है ना अपना पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है कला पंजाब नू छड़ के मतलब पंजाब च नहीं अपने हैगा तो बाकी सारे कितने जिवें हुण गुजरात पर उ जड़ा भुज तो उधरला एरिया उत्थे मतलब ज़्यादा हिंदूइज़म है इधर नियर स्टेट के नाल इतने सारा इस्लामिक रिलीजन है सारा थोनों लोग ये भी कुर्ते पजामे दूजे पाते कौन सा कुर्ता पजामा बोलते हैं इसे पठानी बोलते हैं ना पठानी कुर्ते पजामे पाते इतने सारे सारे ये लोग है। तो भाई आपका थैंक यू यार आप हमको यहाँ तक लेके आए यहाँ आपने घुमाया आपकी अगर आप ना होते फिर तो हम कहाँ रह जाते हैं। चलो थैंक यू सो मच। ये ना जो भाई पानी च आप हाथ डुबाने तो हवा नाल सुक जाता है हवा नाल सुक गया लूण बन जाता सारा ये लूण करके ना दाल सब्जियों च यही लूण खाने तुम यही नून पड़ता है ना दाल सब्जी में यही से चमचा पा देंगे
दस तो भाई जे तो दो तीन बठल हम लिया देने सू इत दो तीन बठल लिया देने तो तीन कंपनी ने मक्की कौन सी इधर इस साइड अच्छा ये नून नमक बनाती है सारी कंपनियां बाहर जाते हैं अच्छा नमक बाहर जाता है इनका अच्छा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां अच्छा बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है नून दियां तीन कंपनियां भाई जेड़ा तुसी टाटा सल्ट फलाना सल्ट खाने हो सारा इत्थों बनता है इत्थों लेके जाते हैं वधिया अभी हम एक्सपीरियंस अच्छा था तो अभी वापस चलते हैं आपका धन्यवाद आप हमें यहाँ तक लेके आए लो भी ये खड़ी अपनी गड्डी ते अपनी गड्डी होगी तैयार आपा चलते हैं वापस भोजन ते अज दा ब्लॉग भी आपा इत्थे कर रहे हैं समाप्त जे तुहानू वीडियो पसंद आई होवे तां लाइक करियो शेयर करियो साडा चैनल सबसक्राइब करियो जे तुहानू ट्रैवल वीडियोज़ पसंद है तुसी होर नवीं थावां घूमनियां चाहुंदे हो नवीं थावां देखणियां चाहुंदे हो तां साडा चैनल सबसक्राइब जरूर करियो तो जे कोई कमी पेशी हो क्योंकि असं नवें नवें यूट्यूब पर आए हैं अजे नवा नव शुरू किया तो कमेंट करके दस्यो तुम सानू सुजैशन दे सकते हो अं की कर सकते हैं तो अज का ब्लॉग आप इतनी करते समाप्त कल मिलेंगे नवी जगह पर।